ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों मैं नीरज शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं पहाड़ी लोगों की ग्रामीण लाइफ, यहाँ का कल्चर, यहाँ का स्ट्रगल, यहाँ का खान पान और भी काफी सारी चीजें रहने वाली है जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप करके ना जाएं, क्योंकि यार काफी ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों वैसे तो पहाड़ी लोगों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा सुकून भरी और आनंदमय होती है, बट अगर इनके कामकाज की या पहाड़ी लोगों के स्ट्रगल की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल इनकी लाइफ में रहता है। जैसा कि सुबह खेतों का काम करना या घर इत्यादि किसी भी प्रकार का कोई भी काम करना पड़े तो पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दिक्कतें इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि एक तो पहाड़ों में जो रोड होता है उसकी सुविधा काफ़ी ज़्यादा कम होती है, क्योंकि रोड बनाना उतना आसान नहीं होता है। इस वजह से सारा जो सामान होता है वो सारी चीज़ें दोस्तों अपने पीठ पर या खच्चरों इत्यादि पर लाद करके लेके आनी पड़ती है। सो इसलिए भी यहाँ पे जो स्ट्रगल है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों पहाड़ी लोग मीट यानी कि मटन को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ी एरिया में ठंड ज़्यादा होती है, तो शायद उस ठंड से बचने के लिए ये सदियों से जो मीट यानी कि मटन का यूज होता आ रहा हो। तो यहाँ पे शादी ब्याह फंक्शन या किसी भी प्रकार का कोई भी सेलिब्रेशन क्यों ना हो तो उसमें मटन यानी कि मीट को बना दिया जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रायोरिटी तौर पर इसको देखा जाता है। इसको काटने के लिए स्पेशल लोग होते हैं जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, और इसकी वो कटिंग कुटिंग करके और जो मांस है उसको अलग करके, जो बाहर की खाल है उसको बिल्कुल अलग करके कुछ इस प्रकार से रख देते हैं और इस प्रकार से सेट कर देते हैं। अब दोस्तों इस जो मांस है इसको अलग करने के बाद यानी कि पूरी तरीके से इसको सेट कर देने के बाद अब बारी आती है इसको पकाने की। दोस्तों मीट की कटिंग इत्यादि कर देने के बाद अब बारी आती है इसको पकाने की। तो इसको कुछ इस प्रकार से पका दिया जाता है बाहर खुले में, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से एक डब्बा या बर्तन कढ़ा इत्यादि वगैरह लगा दिया जाता है और उसके नीचे इस प्रकार से लकड़ी लगा दी जाती है जिसमें कि आग लगी हो। तो ये धीरे धीरे धीमी आँच में इसको कुछ इस प्रकार से पका दिया जाता है। दोस्तों ज़्यादातर पहाड़ी लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि एक तो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्कर होते हैं, इस वजह से भी वो स्पाइसी तथा ऑयली चीज़ों को काफ़ी जल्दी डाइजेस्ट कर लेते हैं और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। डाइजेस्टिव और इम्यून सिस्टम अच्छे होने की वजह से जो स्पाइसी ऑयली ये सारी चीज़ें होती है, इन सारी चीज़ों का उनकी बॉडी में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ के सारे लोग मीट खाना ही पसंद करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्होंने कभी आज तक मीट खाया ही नहीं या उनको मीट खाना पसंद ही नहीं है। उन लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से कई प्रकार की सब्जियाँ, खीर या अनेक प्रकार के पकवान यहाँ पे बना दिए जाते हैं। दोस्तों आपने पहाड़ी धाम का नाम तो सुना ही होगा जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और पहाड़ी धाम इसको कहा जाता है जब लोग लाइन वाइज खाना खाने के लिए बैठते हैं। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी धाम इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ का मैक्सिमम एरिया पहाड़ी है और हमारा जो कल्चर है वो भी सिमिलर है। यहाँ पर इसी प्रकार से लोग लाइन वाइज बैठ करके खाना खाते हैं और इसके बाद अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। और दोस्तों ये जो पहाड़ी लाइफ होती है, पहाड़ी धाम होती है, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सुकून भरी और आनंदमय होती है। दोस्तों इसके अलावा धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पहाड़ी लोग काफ़ी ज़्यादा धार्मिक होते हैं और यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को भगवान शिव जी का गढ़ माना जाता है और यहाँ पे आपको हर जगह, हर गांव में, हर चौराहे, हर कस्बे, हर जगह मतलब आपको किसी न किसी देवी देवता का मंदिर अवश्य देखने को मिलेगा।
दोस्तों म्यूजिक और अगर डांस की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी नाटी कुछ इस प्रकार से लगा दी जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड या कहीं की भी बात हो तो पहाड़ों में अक्सर इसी प्रकार से डीजे नाटी लगती है, बात टेंट की हो या फिर कुल्ले में नाटी लगाने की है। टेंट में भी नाटी लगती है और कुल्ले में भी कुछ इस प्रकार से नाटी लगती है। इसके अलावा यानी कि नाटी के अलावा यहाँ पे पहाड़ी राशि लगती है और जो कि कुछ इस प्रकार से लगती है। इसको भी दोस्तों अलग अलग प्रकार से कहीं पे भी यानी कि टेंट में भी और खुले में भी अलग अलग टाइप से इसको लगा दिया जाता है। और इसमें आप महिलाओं से लेकर के लड़कियों से लेकर के छोटे बच्चों बूढ़े बुजुर्ग इत्यादि सब लोग अपना अपना मनोरंजन कुछ इस प्रकार से करते हैं। दोस्तों पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसमें भी हिमाचल प्रदेश काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहाँ पे अभी भी हरे भरे खेत आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे साफ और स्वच्छ हवा और आज भी गांव के लोग दोस्तों यहाँ पे बहुत जगह मैक्सिमम लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि आज भी दोस्तों बावड़ी का पानी पीते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। दोस्तों क्योंकि ये पानी धरती के अंदर से आता है इसलिए इसमें बैक्टीरिया वायरस और फंगस इत्यादि वगैरह रहने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम होता है और हेल्थ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण लाइफ, यहाँ का कल्चर, यहाँ का खान पान, यहाँ का स्ट्रगल, यहाँ का एनवायरनमेंट और भी काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में हमने जानी। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर नए आए तो चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करें। सो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।